गेम भारत के पक्ष में रही है, लेकिन उस पिछले एक ओवर में उन्होंने घुमा दिया 50 पूरे 150 चार विकेट पे। अगर आप देखें एक ही ओवर में ये क्लासन की 23 गेंदों में 51, मतलब ना सिर्फ रफ्तार के घोड़े पे सवार रहे हैं, मुझे लगता है स्ट्राइक रेट 250 का है, और 250 के स्ट्राइक रेट में एक ओवर में गेम को खत्म होने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, विश्वास छीन लिया है भारतीय टीम का। 26 रन 24 गेंदे हार्दिक पांड्या 17 ओवर। दक्षिण अफ्रीका पार पार डेविस बना के इस प्रेशर के दबाव में लड़खड़ाई है, और हार्दिक पांड्या के 17 ओवर की पहली गेंद पे क्लासन की विकेट ने फिर उम्मीद जगाई है। यहां से जीत सकता है भारत, विकेट निकाली हार्दिक पांड्या ने, बहुत बड़ी विकेट क्लासन की, स्लो ओवर आउटसाइड द ऑप्शन, पहुंच नहीं पाए, रीच नहीं कर पाए। विराट कोहली के इमोशन, भारतीय टीम के इमोशंस, वहां पे आपको रॉ इमोशन दिखेंगे फैंस के भी, क्योंकि जानते हैं ये बहुत बड़ी विकेट है, 151 पे गिरी 5 विकेट साउथ अफ्रीका की। हार्दिक पांड्या एक बार फिर थोड़ा सा हल्का सा ने गेम पे शेप भी उल्टा देगा, मार्को यांसन की फिनिशिंग टच से चलते सेमीफाइनल में पहुंची थी साउथ अफ्रीका। बाजुबा इरफान ये सोच बिल्कुल बुरी नहीं हार्दिक की, ऑफ साइड पे अगर खेलते हैं क्लासन तो अगेंस्ट विंड भी खेलना पड़ता, थोड़ा सा रोमलियों को फेरा, ये विकेट चाहिए थी, इसकी डेस्परेशन थी। जी हाँ बिल्कुल, लगा गेम में वापसी करनी है तो वहां विकेट की दरकार थी, और वो विकेट दिलाई हार्दिक पांड्या ने। चाहे ये देखेंगे आप कि क्लासन थोड़े से निराश होंगे, 22 गेंद 26 रन, मैच अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। थोड़ी लॉजिक और इमोशंस के बीच लड़ाई चल रही है, आप इक्वेशन देखते हैं तो हमेशा चेजिंग टीम को कहेंगे एक कदम आगे है, लेकिन ये फाइनल का दबाव है, यहाँ इमोशंस भारी पड़ते हैं। रोहित शर्मा उस Foot's inside there. Hold up. Keep it rolling, please. Keep it rolling. Yeah, foot's inside there. Keep the big screen. Match day, ye trophy ho sakti hai. Surya ko namaskar hai, ye kya chamatkar hai. Kapil Dev, Vivian Richards, kya yaad hai? Shayad waise hi yaad rakhenge David Miller, Surya Kumar Yadav under pressure. Bharat championship ke nazdeek. 400 meter ka maidan, लेकिन बात खड़े हो गई विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ इंचेस की। फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे मिलर, लेकिन मारा वहां पे जहां पे सूर्या खड़ा था। इसकी चमक में साउथ अफ्रीका पीछे रह गए, अपने आप को संभाला, बाहर गए, कैच पकड़ा और लगभग विश्व कप भी पकड़ा। भारतीय टीम के फैंस के ये रो इमोशन सामने नजर आते हुए, हार के जड़े से हाथ डाल के निकल लाए वर्ल्ड कप प्रयास, लेकिन विफल, और आज भारत जीत की कगार पे खड़ा है। करोड़ों हिंदुस्तानी दिल थाम के बैठे हैं उस जीत का इंतजार करते हुए हुए, और मुझे लगता है कम
इस मैच को ना देखें। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आम की, बात है अपनी शान की, जय भारत जय भारती जय बोलो हिंदुस्तान की, ये नारा गूंजना चाहिए। और चार गेंद में 12 रन क्या बनेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर, पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव, तारे सब उनके तेज बलीन हो गए। जो उन्होंने किया है, जो उस पल में किया है, वो सदियों याद रहेगा। और कई बार सुधार सदियों याद रहेगा, क्योंकि भारत को जीत की तरफ अग्रसर है। डॉट बॉल दबाव डालेगी और दबाव विकेट लेके आएंगे। क्यों इरफान, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। भारत अब सिर्फ 3 गेंदे दूर है विश्व कप की ट्रॉफी जीते से। सिद्धू पर क्या गेंद हुआ है, और यही हुआ। अरे भैया, अब हार्दिक के ऊपर पूरा दामोदर। और मुझे लगता है कि देखिए देखिए, पूरा रंगमंच सजा हुआ है और दोनों टीमें अपराजित हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया बॉल, ग्रेट डिलीवरी, प्रेशर को पूरी तरह से स्पॉन्ज की तरह सोख करते हुए। जो कप्तानी की है इस पूरे विश्व कप में काबिले तारीफ, उनके बगल में सूर्या अपना काम कर चुके हैं। भारत की झंडा लहराता हुआ वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के मैदान में, और ये झंडा शहीदों के खून से बना हुआ है। झंडा ऊंचा रहे हमारा हार्दिक, हीरे की शफा है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशा भी चमका करता है। और मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जहां आप स्वाति नक्षत्र की तरह पानी की बूंद को मोती बना सकते हैं, और चातक की तरह सागर के गर्भ से उठ सकते हैं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद गर्भ धारण करके उसे मोती बना सकते हैं। ये बात है, मौके के लिए तैयार रहना सफलता का रहस्य है। फिटनेस इज अननेसेसरी। टीम के लिए सिद्धू पाजी अच्छी बात, तो उस लिहाज से राहत की सांस है, गेंदबाजों को भी रोको। रोहित शर्मा जी को जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। साउथ अफ्रीका को चाहिए थे, पीछे थी भारतीय टीम, लेकिन फिर आए हार्दिक पांड्या, फिर आए जसप्रीत बुमराह, और फिर आखिर में आके भारत ने यह विश्व कप जीता। 2007 में साउथ अफ्रीका में जीता था विश्व कप, और 2024 में साउथ अफ्रीका के सामने जीता यह विश्व कप। 1983 की बात याद आती है, जब वर्ल्ड कप उठाया था कपिल देव साहब ने, तो हर दिल से आवाज निकली थी, इंडिया ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट amongst the rest। और आज विराट कोहली जब वक्त आया, कमेंट द आर कमेंट द मैन, एक कमाल की पारी खेली, एक नींव धरी। और ये हार्दिक पांड्या, occasions will not make men strong or weak, they show what metal you're made of, nerves of steel। बहुत सारी उत्सुकता थी, बहुत सारी नर्वस एनर्जी थी, लेकिन भारतीय टीम ने उसे